सो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉरर माइनक्राफ्ट के सीड्स। हॉरर सीड्स जैसे कि माइनक्राफ्ट के मॉन्स्टर का हैंड, बिना मुंडी वाले मॉब्स का घर, माइनक्राफ्ट का ग्रेवयार्ड, हॉरर फेस माइनक्राफ्ट के अंदर और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो लाइक टारगेट है 40,000 लाइक का 24 आवर्स के अंदर। देखते ये कंप्लीट होता है कि नहीं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 70% लोग सिर्फ वीडियो देखते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते? कर दो प्लीज, कर दो ना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। चल देरी मत कर, फटाफट सीड बता। भाई सीड बहुत ही ज्यादा मस्त है और उसमें जो होने वाला है उससे भी ज्यादा मस्त है। ऐसा क्या होने वाला है? याद है तुझे मैंने पहले एक स्कैरी सीड की वीडियो बनाई थी? हाँ एग्जैक्टली राइट, जिसमें हमने पैर देखे थे भाई, याद है मुझे अच्छे से। वो एकदम बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे एंड वो वाली वीडियो में मुझे 1 मिलियन व्यूज आए भाई। हाँ वो भी याद है। मींस पिछले टाइम हमें पैर दिखे थे, इस बार हाथ दिख सकते हैं। भाई ये माइनक्राफ्ट में क्या है यार, कभी पाँव दिख रहा है कभी हाथ दिख रहा है, कल के दिन फेफड़े दिखेंगे मेरे को तो लगता है। बात तो सही है, बट हाथ कैसे दिख सकता है यार, ये थोड़ा मेरे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो ही तो बात है, मींस इसके अंदर हमें हाथ दिखाई देते है। मेरे को खुद को देखना है, मैंने अभी तक नहीं देखा इसे, बस मुझे सीड पता है। आ जाओ देखते हैं जरा क्या सीड है। हमारा सीड जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तुम लोग खुद देख लो। यूरिनोटे। ये क्या है भाई यूरिनोटे, ये क्या बोल रहा है तू? ये यूरिनेटे जो सीड है, जापानीज वर्ड का एक इंग्लिश वर्ड है। मतलब इधर मैं जापानीज सीखने आया हाँ? ब्रो यूरिनोटे का मतलब होता है घोस्ट हैंड, तुम लोग गूगल ट्रांसलेट कर लेना। इसका मतलब होता है घोस्ट हैंड, सीड में भी हमें हैंड दिखने वाला है। इसका मतलब तू समझ रहे आलोक, ये जो वर्ल्ड है वो जापान का वर्ल्ड है। इसका मतलब तू समझ रहे वो जो हैंड है वो घोस्ट का हैंड है। तो आ जाओ क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को, लेट्स गो। ओके भाई ये कहाँ पे स्पॉन हो गए? भाई यार ये तो कॉकरोच बना दिया भाई। भाई यार ये कहाँ आ गए भाई, हम कहाँ आ गए? ये वैसे मैं क्रिएटिव है, मैं डर क्यों रहा हूँ? भाई तू जो दिखा रहा है वो दिखा, ठीक है? हैंड दिखा रहा था तू, हैंड दिखा। क्या यही हैंड है क्या? भी एंड एक चीज तो नोटिस कर रहा है, हम लोग रात में पैदा हो गए भाई। भाई यार ये तो मेरे को कॉमन लगता है रात के टाइम पैदा होना, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग को भाई सही लोकेशन नहीं मिला है, पर हमें ढूंढना है भाई हम कहाँ पे हैं। आजू बाजू तो मुझे पानी दिख रहा है सिर्फ। भाई यार इसे देख के मेरे को सन्नी देवल की याद आ रही है यार, दिखाना यार हैंड। ब्रो चमक रहा है सोने जैसा। एक मिनट तू उल्टे साइड से देख, देखो हाथ दिखेगा शायद। हाँ हम लोग उल्टा है। ओ, ओ, ब्रो, ये देख एक जीता जाता हाथ। भाई ये तो वही बुद्धा का हाथ लग रहा है भाई, वो पिक्चर वाले। भाई आजू बाजू देख कोई एंटिटी ना हो। भाई पर ये हाथ कितना बड़ा है। और तू तो एक और चीज नोटिस कर रहा है आलोक, आजू बाजू के पेड़ कटे हुए हैं। ब्रो ये तूने कैसे नोटिस किया? भाई ये कैसे झाड़ है जिसके ऊपर पत्तियां ही नहीं है? मतलब इस हाथ का इस पत्ते का कुछ लेन देन है? भाई ये देख यहाँ पे भी पत्ते नहीं है, यहाँ पे भी, इस झाड़ पे भी पत्ते नहीं है। ब्रो ये क्या है? यहाँ पे एल्विश यादव आया था लगता है। एल्विश यादव के नाम से कोई बोल सकता है क्या? ए एल्विश भाई, मतलब किसी ने इसके ऊपर हाथ रखा है एंड ये जगह दब गई। वो भी इतना बड़ा हाथ, भाई कौन सा दानव है ये? वही तो, तुम लोग एक बार मेरा साइज देखो, मतलब मेरा और ये हाथ का साइज देखो, मैं कितना सा हूँ इसके सामने। नहीं ये मेरे को लगता है कोई जापानीज दानव का हाथ होगा, क्योंकि वर्ल्ड भी जापानीज वाला ही है ना। आई डोंट नो जापानीज में लिखा था, पर ये किसका हाथ है मुझे पता नहीं भाई। बट मजाक को साइड रखते हैं, ये एक्चुअली में स्केरी लोकेशन है। ब्रो ये है स्केरी लोकेशन, और इसको तू कितना रेट देना चाहेगा? 10 out of 10। मैं इसे रशियन से कम यानी कि 8K दूंगा आउट ऑफ 10। ओके भाई तुम लोग कितना रेट दोगे ये कमेंट में बता देना। तो ब्रो दूसरा जो सीड है वो भी बहुत ही ज्यादा स्केरी है, मींस बहुत ही ज्यादा स्केरी है। वो तो मुझे अभी पहले वाले में ही दिख गया भाई, अब सेकंड वाले का नाम क्या पहले वो बता दे, पता चले ये भी जापानीज में है। भाई सेकंड वाले का नाम है वैम्पायर्स। क्या तू मुझे वैम्पायर दिखाने वाला है? हाँ ब्रो मैं तेरा खून चूसने वाला हूँ। वैम्पायर खून चूसते है ना? ए, क्या है बनकर? तो सीड है वैम्पायर एंड देखते हैं हमें वैम्पायर के रूप में क्या मिलता है। भाई क्रिएटिव पहले कर दूं भाई, मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके तो हम लोग स्पॉन हो चुके हैं एंड ये बहुत ही पीसफुल जगह लग रही है हम लोग को। ओके बात तो तू सही कर रहा है, और इस बार देख रहे हो तो हम लोग सुबह के टाइम स्पॉन हुए। भाई एक्चुअली मैं रात में स्पॉन हुआ था, मतलब दुनिया में मैं पहली बार रात में स्पॉन हुआ था, तो मुझे तो अच्छा लगता है भाई रात में स्पॉन होना। भाई फिर तो मैं तेरा बेड तोड़ रहा हूँ। भाई यहाँ पे मेरे को वैम्पायर तो नहीं, घोड़े दिख रहे काले काले। भाई ये 69% निगाह है, मींस यहाँ पे मुझे कुछ अलग दिख ही नहीं रहा है। भाई यार थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तेरे को पता है ना सिस्टम क्या है हमारा। 6.5 hours later।
ब्रो यार मुझे यहाँ पे कुछ अलग दिख ही नहीं रहा है। भाई शाम होने वाली है, ढूंढ कितनी मस्ती कर रहे तू। भाई एक मिनट, क्या तू एक आवाज को फील कर सकते? एक आवाज आ रही है मेरे को तो। भाई आवाज यहाँ कुछ तो भी एंगर की आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है आवाज और कौन कर रही है आवाज? क्या हो गया? आलू पीछे चीप है। अरे उधर ऊपर ऊपर। अरे 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 नीचे सामने। ये ट्रांसपेरेंट क्यों दिख रहा है भाई? ये वैम्पायर है। अबे ये कोई ग्लिच है कि भाई मेरा स्क्रीन खराब है क्या? आंखें देख आंखें। व्हाट भाई इसकी किडनी विडनी मुझे दिखाई दे रही है। बट भाई ये कांस्टेंट आवाज क्यों कर रहा है यार? ये इरिटेट हो रहा है अब इसकी आवाज से। भाई ये मेरे को कोई एक्सरे की तरह दिख रहा है। एक्सरे की भाई रहते ना फुटेज। भाई एक बार इसको फटका मार के देख एक बार। अरे भाई कहाँ पे गायब हो गया ये? अरे अभी तो था, किधर चला गया ये? आजू बाजू ढूंढ, आजू बाजू ढूंढ ढूंढ। ओ, ये क्या है? ये क्या है? आधा पानी कहाँ गया? ये जादू भी तो कर रहा है मेरे हिसाब से ये भूत। ब्रो अभी फिर से गायब हो गया वो। ये वर्ल्ड में कुछ तो इल्यूजन डिल्यूजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इस बार। भाई वो वैम्पायर था क्या? क्या था मतलब? एक मिनट, अगर हम लोग आजू बाजू ढूंढेंगे तो शायद हमको और भी चीजें मिल जाए। भाई देखो सब कुछ नॉर्मल है, गाय है, बकरी है, सब कुछ है, पर एक्स्ट्रा भी है चीजें। एंड भाई देखो अभी रात होने वाली है। मतलब रात के टाइम तो वैसे भी हमको अनहोनी चीजें दिखती हैं, क्या पता इस बार भी कुछ दिख जाए। ब्रो वो क्या है? ब्रो ब्रो क्रॉस। भाई क्रॉस नहीं, ये पूरा ग्रेवयार्ड है। एक मिनट जरा जा जा अंदर जा। अबे रात हो रही है भाई ऊपर से। और ऊपर से यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स यूज किए गए हैं ना जो मैंने माइनक्राफ्ट में देखे ही नहीं है। अबे हाँ ये कौन सा ब्लॉक है? इस ब्लॉक पे खून है भाई, खून। दिल बना हुआ है, किसका दिल टूट दिया है? कि कौन टूटा हुआ दिल है यहाँ पे? एंड मैं यहाँ पे ग्रेव नोटिस कर पा रहा हूँ। ये जो तू देख रहा है ना, ये जो ग्रेवयार्ड, ये शीप, काओ, ये सभी का ग्रेवयार्ड है। भाई ये तेरे को कैसे मालूम? कुछ भी बोलने का अपने मन से। भाई ये मेरी प्रेडिक्शन है यार, थ्योरी है भाई। थ्योरी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दी, तो अगर मैं दे दिया तो क्या बड़ी बात है भाई। लिटरली में ये सीट सबसे ज्यादा स्कैरी है। बट एक मिनट, आगे साइड देख कि क्या? कॉफिन, कॉफिन। पर भाई ये कॉफिन में तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक भूत देखा जो कि ऊपर था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भूत है वो ये कॉफिन से बाहर आया था। क्या कुछ भी बोल रहे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है भाई। भाई बस करते, मैं तो बोलता हूँ इसे यही पे हम लोग पल्टी मारते भाई ये सीट से। भाई ये तू इसको रेटिंग दे दे भाई, तू इतनी रेटिंग देगा इस सीट को? इसे रेट करूंगा 10/10 क्योंकि एक्चुअल में स्केरी था। इसे हम लोग प्रॉपर स्केरी लोकेशन सीट कह सकते हैं। भाई ये सीट सच में क्रेजी था। तुम लोग बता दो इसे कितना रेट देना चाहोगे। एंड मैं यहाँ से कल्टी मारता हूँ। तो ब्रो हमारा जो सेकंड सीट है भाई, उसकी खोपड़ी नहीं है। खोपड़ी नहीं है? हाँ मतलब ये सीट के अंदर ऐसा बताया जाता है कि हम लोग इस सीट के अंदर गए तो भाई लोगों की खोपड़ी उड़ जाती है, बिना खोपड़ी वाले लोग दिखाई देते हैं। मतलब अगर स्टीव अगर कैरेक्टर एंट्री कर रहा है उस वर्ल्ड में तो स्टीव का सर उड़ जाएगा? नहीं नहीं स्टीव का नहीं उड़ेगा, आजू बाजू के प्राणियों का सर उड़ जाएगा भाई। भाई वो भूत देगा तो दे, वो फियर पाइल्स में बिना खोपड़ी के भूत आता है। भाई ये ना मेरे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रहा जैसी तू बातें कर रहा है। देख डरा मत, डरा मत, तुझे तो शायद सीड के अंदर लेके जान के बताना पड़ेगा। बट उसके पहले मुझे फिर से नाम जानना है कि इस सीड का नाम क्या है, क्या है? ये सीड का नंबर है भाई, बहुत टाइम बाद नंबर आया है। और ये नंबर है 666444। ये तो मुझे कुछ हॉन्टेड नंबर लग रहा है। क्या ये हॉन्टेड नंबर है भाई? स्कैरी चीज बना रहे तो हॉन्टेड नंबर ही होंगे ना। 666444 क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को, आ जाओ। टेंटेन, हम लोग आ चुके हैं फिर से। झाड़ झाड़ के ऊपर पैदा हुआ इस टाइम पे मैं। कौन हो रहे हैं? बट भाई इस बार जिसकी हम लोग तलाश करने आए वो तलाश करते हैं। एंड मैं एक चीज नोटिस करता हूँ भाई, मैं हमेशा पानी के पास ही स्पॉन होता हूँ। शिवा तुम कौन हो? शिवा, शिवा एक्वामैन, एक्वामैन एक्वा गार्ड। भाई तू जिलेट गार्ड है, शेव कर। भाई यहाँ पे मुझे देखना है, यहाँ पे एक भी शिप नहीं दिख रहे भाई, एक भी काउस नहीं दिख रहे। क्या वो उनकी खोपड़ी उड़ चुकी है? अचानक से सब विलुप्त हो गए हैं क्या भाई? ये हमारे ए नीचे नीचे नीचे, ये देखो भाई ये है काउ, पर इसकी तो खोपड़ी है भाई। भाई मेरे को लगा ही था इस बार स्कैम होगा। भाई मुझे लगा इनकी खोपड़ी नहीं रहेगी, मेरा तो मचका हो गया ऐसा लग रहा है। भाई देख ये स्कैरी चीज है, एंड स्कैरी चीज मोस्ट ऑफ रात में होती है। क्या हो ऐसा कि रात होते होते लोगों की खोपड़ी उड़ जाए? ये तूने एक अच्छा लॉजिक दिया है, क्योंकि माइनक्राफ्ट और जो रात का संबंध है ना वो कुछ यूनिक है। माइनक्राफ्ट रात के टाइम कुछ अनयूजुअल चीजें दिखाता है। रात कर दे भाई। डैम सैड नाइट, रात हो चुकी है गाइस, हाथ में मशाल ले लेता हूँ। ओके मेरे को वहाँ पे कुछ भाई कुत्ते दिख रहे हैं। भाई इनकी सबकी खोपड़ी है ना भाई? ये देख इनकी तो खोपड़ी है पर। हाँ यार
ये गधे की भी खोपड़ी है भाई। यार आलू यार तेरा जीकर फायदा नहीं यार, तू कुछ भी एक राइट 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 ब्रो। वो ये क्या है ये ब्रो ये नहीं। ओह क्रीपर का भी मुंडी गायब। अबे ये चल कैसे रहा है फिर, ये देख कैसे पा रहा है, इनकी मुंडी गई कहाँ बड़ी पॉस, क्या हो रहा है ये माइनक्राफ्ट में, मेरे दिमाग के ना कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये ढुकर की मुंडी गायब, ये पिक की मुंडी गायब। अरे यार ढुकर और पिक एक ही होते हैं, मतलब क्रीपर की मुंडी गायब, क्या हो रहा है, मतलब ये कोई ग्लिच है क्या जो स्पेसिफिक सीड पे काम करता है। हाँ शायद ये जब वर्ल्ड बन रहा रहेगा तब वर्ल्ड में कुछ ग्लिचेस आ गए रहेंगे जिसके कारण कुछ ऐसा हो गया। भाई ये कितने ज्यादा बेकार दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से आलू को अगर हम लोग थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करें ना तो शायद कुछ और मॉब्स या एनिमल्स का हमको यू नो थोड़ा उड़ा हुआ मिलेगा। देख जरा। ओके ये गाय का तो है खोपड़ी लगा हुआ। शीप 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 राइट में उसका। अरे इसके पास भी मंडी है। ए नहीं है, यहाँ पे एक शिप को खोपड़ी है पर दूसरी शिप को खोपड़ी नहीं है। क्या रेयर चीजें हो रही हैं यार इस दुनिया में, क्या है ये भाई, ये तो डब्बा लग रहा है कोई। मुर्गी का गायब, मुर्गी के पास नहीं है, मुर्गी के पास नहीं है भाई। मुर्गी के पास क्या नहीं है, मुंडी नहीं है यार, क्या बोल रहा है तू भाई। लाल है देखो पूरा लाल है ब्रो, मतलब ये जो हमारा सीड है वो कंफर्म होता है, कंफर्म है ये सीड। कंफर्म क्या भाई, तू अगर पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तू इसको रेट देने की बात करेगा ना, मैंने ना इसको चल ऑडियंस रेट देगी, देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितना रेट आता है इसको। हाँ भाई ये हम लोग के रेट बस की बात नहीं है, तुम लोग रेट दो कमेंट के अंदर, ये कैसे लगे तुम लोगों को बिना मुंडी वाले। तो आ जाओ भाई एक वर्ल्ड और क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव में जाता हूँ भाई मैं पहले, क्योंकि सर्वाइवल अपने बस की नहीं है। ये कैन डू जनरेशन है। अभी का सीड जो है ना उसका नाम क्या बताए, फेस है उसका नाम। तुम लोग फेस से ही समझ सकते हो, मतलब इसके अंदर हम लोग को फेस दिख सकता है। वो फेस किसका होगा। अरे यार एडिटर तू क्या दिखा रहा है यार, बेशरम है क्या भाई, मैं नॉच की बात कर रहा हूँ। नॉच की बहुत सारे हम लोग को टेंपल देखने को मिले, क्या पता उसका फेस दिख जाए, हीरो ब्रांड दिख जाए, हीरो ब्रांड का खोपड़ा भाई, ये तो जाके ही पता चलेगा। तो आ जाओ देखते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग स्पॉन हो चुके हैं, ये कौन सी जगह पे भाई, यहाँ पे रात हो रही, यहाँ दिन हो रहा ब्रो, ये तो ये ऑरेंज कलर का भगवा नगर है भाई। तू दिशा को पसंद करता है क्या, अपनी दिशा क्यों भटका देता है हमेशा यहाँ हुआ, बात तो सही है। अरे पर तू देखना ये कौन सी जगह है, बैडलैंड्स क्या बोलते हैं इसे, टेराकोटा बायो भाई, ये तो देश का झंडा बन गया भाई अपने, ये देख ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन सबसे ऊंचा रहे भारत देश हमारा भाई। ये कितने सारे बायोम मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, ये देख वो देख ऊपर से तो कैसा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 वो देख 6, मतलब जितने बायो में स्नो को छोड़ के मिक्स हो गए भाई, मतलब ये एक रेयर सीड है। इसका मतलब अगर ये रेयर सीड है तो उसके अंदर रेयर चीज भी होगी, देख ध्यान से, हमको तलाश है एक चेहरे की। ये देख राइट में देख, ये क्या है, ये चेहरा है, नहीं ये चेहरा नहीं, ये तो पहाड़ दिख रहा है भाई, ऐसा लग रहा है उसकी एक आंख फोड़ दी किसी ने। अबे खड्डा दिखा बहुत बड़ा, ये देख ये कितना बड़ा जगह है भाई। यार मेरे को तो बहुत बोर हो रहा है, अब कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या बोला तूने, नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, कौन बोला, मेरे को तो दिख रहा है भाई। ये क्या है फिर से, हम लोग को क्या खतरनाक चीज दिख गई है, क्या कर रहा है इस बायो में ये लौता, कौन बनाया ये स्माइल भाई। ये स्माइल बनाया नहीं है, ये अपने आप शहर से बन गया है क्योंकि ये पानी के पास में भी है। और एक चीज नोटिस कर रहा है, फिर से ये जो हॉरर चीज है ये हमको पानी के पास मिल गया, और हर एक चीज हमको पानी के पास मिल रही है, ये तो बात नोटिस करने वाली है। इसका मतलब पानी और हॉरर सीड्स कुछ तो लेन देन है दोनों का ब्रो। ये एक फेस लग रहा है, मैं इसको देख के बोल सकता हूँ ये सच में फेस लग रहा है। रेट कर इसको, कितना रेट करेगा भाई। मैं तो इसको दूंगा पूरे 10 out of 10, मेरे को तो मजा आया देख के इसे। मैं भी इसे दूंगा 10 on 10, बस फर्क ये कि वो -10 है। ऑडियंस आप लोग बता दो भाई कितना रेट देना चाहोगी फेस को। एंड यहाँ पे भाई हमारे सीड खत्म हो जाते, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ढाई ढाई ढाई, बाय बाय।